डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाकफियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 13 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है पेशे। जैसा कि आपको पता है कि सबक की पढ़ाई हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हम सबक की सरगर्मियाँ करेंगे। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 63 पर हम सबक की सरगर्मियाँ शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल है ज़बानी जवाब दें। सवाल नंबर अलिफ है, पेशे किसे कहते हैं? पेशा वो ज़रिया है जिसकी मदद से इंसान पैसे कमाता है। सवाल नंबर बे, कोई से तीन पेशों के नाम बताएं, पुलिस, पायलट, दर्जी। सवाल नंबर जीम, आप बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हैं? जवाब, मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डियर टीचर्स, ये जो तीसरा सवाल है, इसके जवाब डिफरेंट होंगे। हर बच्चा जो बनना चाहता है उसी के मुताबिक उसको जवाब लिखवाइए। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जुमला नंबर अलिफ, पैसा कमाने के लिए इंसान कोई ना कोई पेशा इख्तियार करता है, ये दुरुस्त जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। जुमला नंबर बे, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, ये भी दुरुस्त है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। जीम, किसान कपड़े धोता है, ये गलत जुमला है, सही जुमला है कि किसान खेतों में काम करता है, इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएं। जुमला नंबर दाल, इलेक्ट्रिशियन तामीराती काम करवाता है, ये भी गलत जुमला है, इलेक्ट्रिशियन बिजली की तारों के काम करता है। जुमला नंबर है, मोची जूतों की मरम्मत करता है, ये दुरुस्त जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर तीन है, दी हुई तस्वीर देखें और पेशों के नाम लिखें। पहली तस्वीर डॉक्टर की है, दूसरी किसान की, तीसरी मोची की और चौथी सब्ज़ी फरोश की। अमली सरगर्मियाँ, चार्ट पर मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की तस्वीर लगाएं और हर एक पेशे से मुतालिक एक एक जुमला भी लिखें। डियर टीचर्स, बच्चों को चार्ट, ग्लू और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की तस्वीर मुहैया करें और बच्चों को इन तस्वीर को चार्ट पर लगाने का कहें और इनके बारे में एक एक जुमला भी लिखवाएं। इस एक्टिविटी से पहले आप डिस्कशन करवा सकती हैं कि पेशों के मुताबिक वो जुमले क्या क्या लिखेंगे और उसके बाद आप उनसे चार्ट पर तस्वीरें लगवाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।